रविंद्र ने दिल्ली में 14 बच्चों को बनाया दरिंदगी का शिकार। 2014 में पहली बार चढ़ा पुलिस के हत्थे। वर्ष 2008 से लेकर 2015 तक करीब 30 बच्चों से दरिंदगी करने वाला सीरियल किलर रविंद्र वर्ष 2014 में पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा। जानकारी के मुताबिक 2014 में आरोपित ने बेगमपुर थाना इलाके में बच्चे को अपना शिकार बनाया था। कुकर्म के बाद उस्तरे से काटा था बच्चे का गला। कुकर्म कर उस्तरे से बच्चे का गला काट दिया था। गला काटने के बाद बच्चे को नाले में फेंक दिया था। एक पुलिसकर्मी ने जब उसको देखा तो उसे अस्पताल लेकर गया। इस मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया गया था। लालच देकर बच्चों को सुनसान जगह पर ले जाता था रविंद्र। बेगमपुर में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का मामला 14 जुलाई 2015 का है। दहिया ने बताया कि रविंद्र ने सुबह 6:30 बजे बच्ची को खेतों की ओर शौच के लिए जाते देखा तो उसने बच्ची को 10 रुपए दिए और खंडहर इमारत की दूसरी मंजिल पर ले गया। वहीं बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची को 10 रुपए दिए, बाद में बच्ची का गला घोंटकर हत्या कर दी व उसे दुष्कर्म कर उसका शव पहली मंजिल की शॉप पर फेंक दिया। बच्ची के स्वजन ने जब पुलिस को शिकायत की तो दहिया ने उसका शव ढूंढा। मानसिक रूप से बीमार है रविंद्र। अपने गुनाहों को कबूल करने वाला रविंद्र इतना हैवान है कि वह बच्चों को मारने के बाद उनके शवों के साथ भी गलत काम करता था। यह बात उसने खुद मीडिया के सामने स्वीकार की थी। दहिया ने बताया कि आरोपी ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चों को अपना शिकार बनाता था। ये बच्चे या तो सड़क किनारे सोते थे, अंग्रेजी हॉरर मूवी देखकर बना हैवान। रविंद्र 2008 में अंग्रेजी हॉरर मूवी डरावनी फिल्म देखकर हैवान बना। फिल्म देखने के बाद उसने पहली वारदात को अंजाम दिया। यह जानकारी 2015 में बेगमपुर मासूम हत्याकांड के जाँच अधिकारी और दिल्ली पुलिस से एसीपी पद से रिटायर हुए जगमिंदर सिंह दहिया ने दी। रोहिणी कोर्ट ने शनिवार को रविंद्र कुमार को दोषी करार दिया है। दहिया ने बताया कि जांच के दौरान पता लगा कि छठी फेल रविंद्र ने बचपन में एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी जिसमें 3 लोग बच्चों की हत्या कर उनसे कुकर्म या दुष्कर्म करते थे। यह फिल्म देखने के बाद वह भी नशा कर बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाता गया।